यदि आपके शरीर पर भी बनते हैं ऐसे नीले रंग के निशान, ये खबर जरूर पढ़ें, वरना अपने अपने जीवन में कभी ना कभी इस बात के ऊपर गौर किया होगा कि जब कभी हमारे शरीर को किसी भी तरह की चोट लगती है तब हमारे शरीर का वह हिस्सा नीला पड़ जाता है। शरीर के उस हिस्से के नीला पड़ जाने की वजह से ज्यादातर लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, परंतु हम आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे शरीर के किसी भी अंग पर चोट लगता है उस दौरान वहां मौजूद खून कोशिकाओं में फैलने लगता है। कोशिकाओं में खून के फैलने की वजह से हमें नीले रंग के निशान देखने को मिलते हैं। पर अगर आपको कभी बिना किसी चोट के आपके शरीर के ऊपर नीले रंग का निशान दिखने लगे तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है। आज हम आपको इसी समस्या के बारे में बताने वाले हैं। ऐसा होने के पीछे का कारण, पोषक तत्वों की कमी। कैल्शियम और विटामिन की बात करें तो इन दोनों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कैल्शियम और विटामिन हमारे शरीर में मौजूद जख्म को जल्दी से भरने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुआ करते हैं। इसके साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो ऐसे में उसके शरीर के ऊपर भी नीले रंग के निशान दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि कैल्शियम और विटामिन सी की बॉडी में कमी हो जाने की वजह से इस तरह के निशान मनुष्य के शरीर के ऊपर पड़ता है। बुढ़ापे के कारण इस तरह की समस्या ज्यादातर मामलों में बुजुर्ग लोगों के शरीर में ही देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुढ़ापे में मनुष्य के शरीर की रक्त धमनियां सूर्य से आने वाले किरणों का सामना नहीं कर पाती। सूर्य से आने वाली किरणों का सामना न कर पानी की वजह से लोगों की हड्डियां और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है। कैंसर और केमोथेरेपी की समस्या। जो लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बाद केमोथेरेपी करवा रहे होते हैं उन लोगों के शरीर में भी ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने की वजह से इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। मिनरल्स का ज्यादा मात्रा में सेवन। ऐसा बताया जाता है कि जिस प्रकार चोट को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए आयरन और जिंक बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में होने वाली एनीमिया रोग में आयरन की कमी की वजह से लोगों के शरीर के ऊपर नीले रंग के निशान बन जाते हैं।